बनाएंगे तो भी मोदी को वोट मिलना है, फिर भी गुजरात में वोट मिलना है, हर जगह मिलेगा। उसमें दो मत है कि मोदी को वोट मिलेगा। एकदम एकदम और वोट फॉर मोदी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी भारत माता की जय। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मातरम। रखा और गेट ओपन हो गया और हम लोग आ गए हैं अंदर। अरे मेट्रो का गेट घुसते ही वाह, काफी सारे लोग एंट्री कर लिए, बच्चे भी आ रहे हैं, वाह क्या बात है। मोदी 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 मोदी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दें, अंदर आते ही आपको क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। आप सब लोग उम्मीद होगा अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत करते हैं आपका अहमदाबाद के फलतेज मेट्रो स्टेशन पे। तो दोस्तों आज हम आपको ट्रेन जर्नी नहीं बल्कि आज एक मेट्रो के सफ़र कराने वाले हैं, जिसका शुभारंभ किया है मोदी जी ने अभी 30 तारीख को। तो आज हम आपको ले चलेंगे मेट्रो रेलवे स्टेशन में और दिखाएंगे आपको पूरी जर्नी। तो आज हम चलेंगे फलतेज से और वस्त्राल के बीच में चलने वाली मेट्रो रेलवे स्टेशन में अहमदाबाद के। तो आइए चलते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं। पीछे अपने टिकट काउंटर है और हमने अपना टिकट ले लिया है, मेट्रो टोकन, और आप ले चल के आपको अंदर एंट्री कराएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। रखा और गेट ओपन हो गया और हम लोग आ गए हैं अंदर। अपना टोकन दिखा के अंदर एंट्री ले लिया है, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म पे अपनी मेट्रो लगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी। तो दोस्तों ये आ चुकी है अपनी मेट्रो, गुजरात मेट्रो थलतेज स्टेशन पे। और ये हो गया अपना गेट ओपन और लोगों को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मेट्रो को देखने के लिए आ चुके हैं और बाहर निकल रहे हैं, और लोग काफ़ी सारे उत्साहित हैं मेट्रो को लेके चारों तरफ। आप आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और लोगों के भीड़ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। कैसा लगा इसमें यात्रा करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, पूरा फैमिली के साथ गए थे। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, देख सकते हैं पूरे पब्लिक के साथ, मतलब पूरे बच्चों के साथ लोगों ने आया यात्रा करने के लिए, देखने के लिए काफी अच्छा लगा। जस्ट अभी ट्रेन आप लोग देखे आके खड़ी हुई है और हम लोग आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, और अंदर का नज़ारा खुद देख सकते हैं ऐसा है। काफ़ी सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं और अपना फ़ोटो खींच रहे हैं, और यहाँ पे बैठे हैं कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये है गुजरात मेट्रो, घर से एंट्री लेते ही अंदर आते ही सामने मिल जाएगा CCTV कैमरा, और इस तरफ है डिस्प्ले बोर्ड, यहाँ आपको पूरा दिखेगा आप किस तरफ से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, पूरा आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर है, जो यहाँ पे जो लाइट देख रहे हैं, डोर खुलेगा तो लाइट जलेगा, आवाज़ होगा, और डोर किस तरफ खुलने वाला है सिस्टम यहाँ पे दिखाएगा। अगर रेड है तो समझ लीजिए डोर नहीं खुलेगा, अगर पीला जल रहा है तो इस तरफ मतलब आपका खुलने वाला है डोर। बाकी इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ पे कुछ पुश एंड टॉक बटन है, यहाँ पे आप कुछ बोल के और इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक दरवाज़ा खोलने के लिए दिया, आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग के लिए। बाकी सामने आपको इस
डिस्प्ले मिल जाएगा यहाँ पे, जो भी स्टेशन आना होगा इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और ये सामने, और ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, आपको सीट दिखेगी सामने दोनों तरफ, सीट पे बैठ सकते हैं। अगर जगह खाली ना हो तो आप हैंडल पकड़ के लटक भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दी गई है गुजरात मेट्रो में। 15 रुपये का बहुत सस्ता है, काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ता है, बहुत सस्ता है। क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट टाइम मेट्रो चली है अहमदाबाद में, मोदी ने ये पहल किया, बहुत अच्छा है, अहमदाबाद में सबसे बहुत फायदा होगा। वोट मिलेगा मोदी जी को, जरूर मिलेगा। वोट मिलना है, फिर भी गुजरात में वोट मिलना है, हर जगह मिलेगा। एकदम 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 जरूर जरूर जरूर, टाइम भी बचेगा, वाले का जादू नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मोदी वोट फॉर मोदी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, लोग यहाँ पे कितने उत्साहित हैं, और कितने उत्साहित हैं लोग यहाँ पे, एक्साइटेड हैं गुजरात मेट्रो को लेके। और देख सकते हैं गुजरात का लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने बहुत विकास किया है। पब्लिक में एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेट्रो चल रही है यहाँ पे। तो आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आपको मैम? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है फॉरेन में घूम रहे हैं। फॉरेन में घूम रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। कहाँ तक आप लोग जा रहे हो? अच्छा, कितने का पड़ा टोकन आपको? 15। काफ़ी चीप है, काफ़ी चीप है, स्टेशन भी बहुत अच्छा है, स्टेशन भी अच्छा है, स्टेशन भी बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ से पहले ऑटो से जाते थे कितना किराया लगता था? 150 रुपया। 150 रुपया, और यहाँ पे 15 रुपया, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने थलतेज स्टेशन से अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा पब्लिक कितनी उत्साहित है, एक्साइटेड है। दोस्तों ये है अपना पहला स्टॉपेज दूरदर्शन केंद्र, ऑटोमेटिक गेट खुल चुका, गेट खुल चुका है और लोग अंदर आ रहे हैं। सिस्टम आप लोग देख सकते हो, दूरदर्शन केंद्र और गेट अपना बंद हो चुका है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है गोकुल यूनिवर्सिटी, और ट्रेन अपनी डिपार्ट हो चुकी है दूरदर्शन केंद्र से, और नेक्स्ट स्टॉपेज है गुरुकुल रोड, और यहाँ का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। डिपार्ट कर चुके हैं हिमालय मॉल, दोस्तों क्या नज़ारा है देख सकते हैं आप लोग, बादलों का और बिल्डिंग का। ये आ चुका है गुरुकुल रोड मेट्रो स्टेशन, और अपनी ट्रेन अराइव होती हुई गुरुकुल रोड मेट्रो स्टेशन। और ये चुका है गेट ओपन, पब्लिक आ चुकी है अंदर, और लोग देख सकते हैं आप लोग सेल्फी लेते हुए लोग अंदर आ रहे हैं। और ये है गुरुकुल मेट्रो रेलवे स्टेशन का नज़ारा, और गेट हो चुका है बंद। दोस्तों ट्रेन अपनी डिपार्ट हो चुकी है गुरुकुल स्टेशन से, और नेक्स्ट स्टॉपेज है गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी
दमन विजय सेल्स सन पावर वुमेन्स हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं वहाँ का और यहाँ से क्या शानदार काफी शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है आपको। गुजरात मेट्रो गुजरात यूनिवर्सिटी और ट्रेन अराइव होते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी पे ओपन और पब्लिक ले चुकी है अंदर एंट्री। ओ भाई बाहर नहीं निकलने का भाई, गेट बंद हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी। डिपार्ट हो चुकी है गुजरात यूनिवर्सिटी से और ये देख सकते हैं दोस्तों अपनी मेट्रो में कितनी भीड़ हो चुकी है और आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती छुट्टी का दिन और लोग अपनी मेट्रो को उद्घाटन जयंती देखने के लिए कितने सारे लोग आ चुके हैं और नेक्स्ट स्टॉपेज है सरदार पटेल स्टेडियम। काफी शानदार नजारा और ट्रेन अपनी अराइव होती हुई एसपी स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम कितने सर्च कर दे 2000 ओल्ड हाई कोर्ट स्टेशन पे अराइव हो तो अपने ट्रेन स्टेशन आ चुका है और डोर ओपन होने वाला है। तो ये है ओल्ड हाई कोर्ट और ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे आप इंटरचेंज करके साबरमती मोटेरा या जीवराज पार्क की तरफ जा सकते हैं जिसका काम अभी चल रहा है और ये हो चुका है गेट बंद, ट्रेन अपने डिपार्च कर चुकी है ओल्ड हाई कोर्ट। स्टेशन और यहाँ पे लोगों का भीड़ देख सकते हैं, यहाँ भी पब्लिक आ रही है, बहुत सारी पब्लिक है और ये मेट्रो का गेट घुसते ही वाह काफी सारे लोग एंट्री कर लिए, बच्चे भी आ रहे हैं, वाह क्या बात है।
मोदी दोस्तों। आज है छुट्टी का दिन, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, और सारे लोग इतने उत्साहित हैं कि भाई एकदम आ चुके हैं अंदर, एकदम इतना भीड़ है कि बैठने का जगह नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं कितने का लिया, 5 रुपए, बस 5 रुपए, 5 रुपए गजब है भाई, मात्र 5 रुपए में मेट्रो का सफर करने को मिल रहा है। बच्चे भाई बहुत उत्साहित हैं, चीज तो अभी दिल्ली में नहीं, लखनऊ में कहीं नहीं हुआ। स्टेशन पे पब्लिक इतनी सारी बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कालूपुर मेट्रो स्टेशन। और अपना ऑटोमेटिक डोर ओपन होगा अभी, बस डोर ओपन हो चुका है। और लोगों को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं आप लोग। आपको एक बात बता दें कि अगर आपको वस्त्राल या थलतेज की तरफ से आ रहे हैं और आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप कालूपुर रेलवे स्टेशन, कालूपुर मेट्रो स्टेशन पे उतर के और वहाँ से अहमदाबाद जंक्शन पे जाके ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो आपको ट्रेन पकड़ने के लिए कालूपुर मेट्रो स्टेशन उतरना होगा। अगर आप थलतेज या वस्त्राल की तरफ से कहीं से भी आ रहे हैं आपको कालूपुर रेलवे स्टेशन उतरना होगा। मेट्रो स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्ट हो चुका है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। और अभी अपनी ट्रेन अंडरग्राउंड से अपर ग्राउंड आ चुकी है और दूसरी तरफ जा रही है अपनी मेट्रो, देख सकते हैं शानदार नज़ारा। और आ चुका है दोस्तों एपेरल पार्क, और ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हुए और सामने खड़ी है दूसरी तरफ भी मेट्रो एपेरल पार्क में, और शानदार नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। बंद हो चुके हैं और ट्रेन अपने डिपार्ट होते हुए एपेरल पार्क से। नेक्स्ट स्टॉपेज है वस्त्राल, और बादलों का नज़ारा आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। बहुत अच्छा रहा, अहमदाबाद की ये सबसे बड़ी भेंट है उसको, अभी जो यहाँ इतने सब माहौल है और सब पैसेंजर भी बहुत खुश है, बहुत खुश है कि भाई अहमदाबाद में ऐसे वो समय भी बचाया, पैसे भी बचाया, टाइम सबका बचाया और ये सबको आनंद भी मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है कि जो वस्त्रा से इधर आने में 1.5 घंटा होता था वो 40 मिनट में इधर पहुंच जाएगा और उसका टाइम भी सबका बचाया है। अभी टाइम की कीमत इतनी है और वंदे भारत भी कल यहाँ से स्टार्ट, वंदे भारत वो जो भारत ट्रेन वो बॉम्बे के लिए निकली है वो भी बहुत बढ़िया पैसेंजर और बढ़िया अच्छी ट्रेन है, उसके लिए भी हम नरेंद्र मोदी का खूब खूब धन्यवाद मानते हैं।
ट्रेन अपने अराइवल होते हुए वस्त्राल स्टेशन पे अभी हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट स्टॉपेज वस्त्राल गांव पे और यहाँ पे अपनी ट्रेन की जर्नी मतलब मेट्रो की जर्नी ख़त्म हो जाती है और यहीं तक मेट्रो का लास्ट स्टॉपेज था। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।